ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खरीदारों की मांग के मुताबिक वाहन चोरी करने वाले गिरोहों के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तीनों की पहचान अलीगंज निवासी रजनीकांत, विनय और आदित्य पाल के रूप में हुई है। इनमें से विनय और रजनीकांत सगे भाई हैं। आरोपियों के पास से चोरी के 7 बुलेट सहित 20 बाइकें बरामद की गई हैं। थाना सूरजपुर पुलिस कल तिलपता गोल चक्कर के पास चेकिंग कर रही थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने गोल चक्कर से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए विनय और रजनीकांत ने बीए की पढ़ाई छोड़कर शौक पूरा करने के लिए बाइक चोरी करने की वारदात शुरू कर दी थी। रजनीकांत और विनय पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के अंतर्गत कल दिनांक 17 अप्रैल को सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी और वाहन चोरों के गैंग पर सूरजपुर थाना टीम और सर्विलांस के द्वारा इस पर कार्य किया जा रहा था। तभी मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि इधर से कुछ सातिर बदमाश निकलने वाले हैं। इस सूचना पर जो तिलपता के पास पुलिस टीम हमारी चेक कर रही थी, उस टीम के द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जो रजनीकांत है और उसका सगा भाई विनय, यह 2 लोग मुख्य हैं। यह लोग यहाँ से गौतम बुद्ध नगर NCR क्षेत्र से वाहन चोरी करते थे। यह लोग मूलतः एटा जनपद के रहने वाले हैं और एटा, फरकाबाद, अलीगढ़ आसपास के जनपदों में यह इन वाहन जो दोपहिया वाहन चोरी करते थे उनकी बिक्री किया करते थे। इनके साथ इनका एक तीसरा जो साथी है आदित्य, उसको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पर बताया गया कि रजनीकांत और विनय के द्वारा जो बुलेट मोटरसाइकिल है वो लगभग 15,000 रुपये में बिक्री की जाती थी। स्प्लेंडर मोटरसाइकिल का रेट 9 से 10,000 रुपये में ये लोग बिक्री करते थे। तत्पश्चात आदित्य इन चोरी वाले वाहनों को अन्य लोगों के पास 20 से 25,000 रुपये में बिक्री करते थे और जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है वो लगभग 15,000 रुपये में बिक्री करते थे। इनके पास से 7 बुलेट मोटरसाइकिल, 9 स्प्लेंडर एवं अन्य वाहन दोपहिया, कुल मिलाकर के 20 वाहन बरामद हुए हैं। ये लोग फर्जी नंबर प्लेटों का भी यूज करते थे। पूछताछ के दौरान इन लोगों के द्वारा बताया गया कि यह लोग अभी तक लगभग 1 दर्जन वाहनों की बिक्री कर चुके हैं। अग्रिम पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही विवेचनात्मक कार्रवाई में इन सभी तथ्यों को शामिल करते हुए निष्पक्ष और त्वरित ढंग से विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा। चोरी कैसे किया करते थे मोटरसाइकिल को और करने की वजह क्या है, क्यों बाइक चोरी करते थे? बाइक चोरी का इनका ये है कि ये लोग पहले रेकी करते थे। ये लोग, इनकी पहली प्रायोरिटी ये रहती थी कि अगर खुले स्थान पर अगर कोई वाहन इनको मिल जाता था तो रेकी करने के पश्चात तो उस वाहन की ये लोग चोरी करते थे। इसके साथ ही घरों के अंदर से भी इन्होंने वाहन चोरी किए हैं, दोपहिया वाहन। जैसे बरामदे में कोई वाहन खड़ा है और इन्होंने अपना रेकी के द्वारा देखा कि घर वाले सो रहे हैं, लेट नाइट हो गई है या अर्ली मॉर्निंग, तो इस तरीके से उन्होंने वहाँ से मास्टर की लगाते हुए वाहन की लोग चोरी करते थे। ये कहाँ बेचते थे बाइक, दिल्ली आसपास या फिर जो, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी कि अभी तक की जो पूछताछ के दौरान इन लोगों ने बताया है कि ये एटा, अलीगढ़, फरकाबाद इन जनपदों में इन जो चोरी किए वाहनों की बिक्री किया करते हैं। हाँ, पूर्व से इनका आपराधिक इतिहास है। रजनीकांत के विरुद्ध 4 मुकदमे, विनय के विरुद्ध 6 मुकदमे मिले हैं और आदित्य के विरुद्ध भी आपराधिक इतिहास है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।